मंत्री जी, ये 1 करोड़ रुपए आप ले लीजिए। आप कौन हो? आप मेरी कक्ष में कैसे आ गए और ये पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हो? मेरा नाम मानव है। यदि आप मेरे समर्थन में होंगे तो मैं आपको ये सारा पैसा दूंगा। मंत्री मन ही मन सोचते हैं और कहते हैं, ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है, मैं इसे स्वीकार कर लूंगा, लेकिन आपको मुझे हर महीने 1 करोड़ देने पड़ेंगे। मैं ये प्रस्ताव स्वीकार कर लूंगा, मगर तुम्हें मुझे 1 करोड़ प्रतिमा का भुगतान करना होगा। सुनकर वह आदमी ऑफिस से बाहर चला जाता है। मंत्री के मैनेजर ऑफिस में खड़े होकर सारी बातचीत सुन रहे थे। ये बहुत बुरा है सर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और सौदे को रद्द कर देना चाहिए। अगर आप उसे रद्द नहीं करते तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। चुप रहो मूर्ख, ये तुम्हारे काम करना ही है, बाहर जाओ और अपना काम करो। ठीक है सर, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूर्व मंत्री भी भ्रष्टाचार के कारण गिरफ्तार हो गए? यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वो घटना मेरे साथ भी हो। मंत्री जी, मैं एक नया भवन बनाने की योजना बना रहा हूँ, जिसके लिए मुझे सरकार के संकेत की आवश्यकता है, जो मुझे नहीं मिल रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है मित्र, मैं आपकी मदद करूँगा। उसे संकेत दिया और अब बुरा आदमी अपनी संपत्ति बना सकता है। सर, मैं आपको आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, कृपया ऐसा मत करें। चुप रहो, अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मैं सोचता है कि मुझे CBI को मंत्री और बुरे आदमी की रिकॉर्डिंग भेजनी चाहिए जो मैंने बनाई है। अगर मैं CBI को रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगा तो इनमें से किसी को सबक नहीं मिलेगा। अपना सारा काम समाप्त करने के बाद CBI के पास गया और रिकॉर्डिंग दिखाता है और उसने कहा कि मंत्री भ्रष्ट है, कृपया जांच करवाई जाए। अपने घर जा रहा था और रास्ते में वह बुरे आदमी को ढूंढता है और उससे पूछता है, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इसका मकसद क्या है? यह तुम्हारे काम का नहीं है और तुम्हें मेरे काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। सोचता है कि मुझे उसका पीछा करना चाहिए। अरे मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, मुझे लगता है बुरे आदमी का अड्डा है। सभी ने अच्छा काम किया, अब मंत्री जी मेरी उंगलियों पर काम कर रहे हैं, मैं जो भी बोलूं वह करते हैं। मंत्री जी, मैं आपको यहाँ गिरफ्तार करने आया हूँ। क्यों? मगर मैंने क्या किया है? देखिए, आप भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए। नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये एक एडिटेड वीडियो है। आप चाहे तो मेरे कमरे का CCTV देख लीजिए। आपके पास जो सबूत है आप उसे मिटा भी सकते हैं, यानी आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आप पे लगाया हुआ आरोप सच है। देखिए सर, मैंने आपको कहा था कि ऐसा ना करें, फिर भी आपने किया। मैं ही वह व्यक्ति था जिसने वीडियो बनाई। खैर, यह सब हमारे ड्रामे के बारे में था। लेकिन आप इस ड्रामे से क्या समझते हैं? ओ, आप सबक नहीं जानते, हम आपको बताएंगे। एक व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में भ्रष्ट नहीं होना चाहिए और सफल होने के लिए अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए।